वहीं 3 अक्टूबर को उत्तराखंड में हुए बड़े साइबर अटैक की अब राजनीतिक गलियों में भी हलचल देखने को मिल रही है। ऐसे में पक्ष और विपक्ष भी आमने सामने आ चुके हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने उत्तराखंड में हुए साइबर अटैक पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जब सरकार अपने ही वेबसाइट नहीं बचा पा रही है तो जनता की सुरक्षा कैसे करेगी। वहीं इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि शुरुआती दौर में जब यह वायरस आया तो इसको वायरस माना जा रहा था, लेकिन जब टेक्निकल लोगों ने इसको सही से जांचा परखा तो एक साइबर अटैक सामने आया है और ही सरकार ने कार्रवाई करते हुए अज्ञात लोगों पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। जल्द ही वह लोग गिरफ्तार किए जाएंगे। इसके आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ मुद्दा बनाने की आदत है क्योंकि कांग्रेस मुद्दाहीन है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवरीश गुप्ता की रिपोर्ट। ITDI की क्या गलती है, जैसा मालिक कहेगा वैसा करेंगे। ये सरकार ने फेस सेविंग के लिए गलत बयान दिलवाया था और अब खबरें आ रही हैं कि इसमें फिरौती भी मांगी गई है। सरकार का फेलियर है, सरकार के सिस्टम का फेलियर है, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार ठीक नहीं है। मैं फिर बार बार कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, और किसी भी घटना को घटने के बाद जिस तरीके से स्पष्ट चीज़ें लोगों के सामने आनी चाहिए वो नहीं आ रही हैं, और ये राज्य की और मुख्यमंत्री दोनों की छवि को ख़राब करता है। देखते हैं कि जिनकी जिम्मेदारी है, जो कानून का काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं। निश्चित ही ऐसे अपराधियों को कठोर दंडात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए, और प्रदेश की जो IT डिपार्टमेंट है या जो भी इनका इस सब चीज़ को देख रहा है। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि अब ये तो IT फील्ड के लोग ज़्यादा बेहतर समझते होंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पर जितना मुझे आइडिया है, जितना मेरा अनुभव है, कि प्राइमा फेसी कहीं भी जब कोई इस तरह की कोई डिवाइस पर कोई प्रभाव आता है तो हम लोग कहते हैं वायरस आ गया, सामान्य तौर पर, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि इतनी बड़े लेवल पर कोई हैक कर सकता है सिस्टम को, ये एक्सपेक्टेड नहीं है। तो प्राइमा फेसी लगता है कि साहब उसमें कोई वायरस आ गया होगा, लेकिन जब उसकी डिटेल में गया तो उससे पता चला होगा कि शायद ये हैक की गई है, इसमें कोई अपराध घटित हुआ है, और आज उस पर मुकदमा भी कायम हुआ है, उसकी जाँच भी होगी। और मेरा ये कहना है, क्योंकि ये एक अपने तरीके का एक अलग तरीके का अपराध है, ये पहली बार ऐसा सुनने में यहाँ पर आ रहा है, तो हमारे सरकार और शासन में जो भी लोग इस काम को देख रहे हैं उनको थोड़ा प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि जो इस तरह के जो साइबर क्राइम है, इसके जो लोग हैं इनका इंटेलेक्ट काफ़ी हाई होता है, हर किसी के पास का नहीं है, तो हमको उससे दो कदम आगे जाना पड़ेगा। हमें अपना इंटेलेक्ट बढ़ाना पड़ेगा, अपना सिक्योरिटी सिस्टम बढ़ाना पड़ेगा, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न घट सकें। ये हमारे लिए एक सबक है, आगे हम इस पर काम करेंगे।